164 के बयान अक्सर आपने सुने होंगे कि रेप केस में या पॉक्सो के केस में बोलते हैं कि क्या 164 के बयान हो गए। ये होता है कि पुलिस आपको बुलाती है पुलिस स्टेशन में। अब पुलिस स्टेशन में जिसको बुलाया वो कोई भी हो सकता है, या तो विटनेस हो सकता है, विक्टिम भी हो सकता है और साथ में एक्यूज भी हो सकता है। दोस्तों 164 के बयान क्या होते हैं, या फिर शॉर्ट में आपने सुना होगा कि 64 के बयान हो गए क्या, 64 के बयान कहें 164 के बयान कहें। वैसे तो सीआरपीसी 164 बोलता है जिसमें बयान कराए जाते हैं, तो इसको द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के सेक्शन 164 में जो बयान दर्ज किए गए, इसमें कन्फेशन भी आता है वैसे तो, बट बयान दर्ज किए गए उसको ही बोलते हैं 164 का बयान। 164 के बयान की अगर हम बात करें तो ये एविडेंटरी प्रूफ होता है कि ये, और जब किसी की भी स्टेटमेंट कराई जाती है मजिस्ट्रेट साहब के सामने, क्योंकि 164 का जो बयान होता है वो मजिस्ट्रेट साहब के सामने ही होता है, और इसकी जो वैल्यू है वो इम्पोर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस की तरह ये काम करता है, जिसको कोर्ट में भी इसको काफी महत्वपूर्ण एक बयान माना जाता है। 164 के बयान कब होते हैं, कौन देता है 164 के बयान, क्या कन्फेशन भी इसी में आता है, जज साहब जो होते हैं, जो मजिस्ट्रेट साहब होते हैं, वो किस तरह से 164 के बयान लेते हैं, और ज्यादातर किन केसेस में आपको देखने को मिलते हैं 164 के बयान, इन सब बातों पर आज डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में। ज्यादा कुछ जानने के लिए 164 के बयान के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। दोस्तों 164 के जो बयान होते हैं वो मजिस्ट्रेट साहब के सामने करवाए जाते हैं। अब बात यहाँ पर आती है कि कौन रिकॉर्ड करता है इन बयानों को, या तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट साहब होंगे या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब होंगे। अब ये जरूरी नहीं कि चाहे तो ज्यूरिसडिक्शन उनका बने या ना बने, बट वो इस बयान को रिकॉर्ड कर जरूर सकते हैं। 164 के बयान अक्सर आपने सुने होंगे कि रेप केस में या पॉक्सो के केस में बोलते हैं कि क्या 164 के बयान हो गए। ज्यादातर आप इसको सुनोगे रेप केसेस के अंदर। 164 के बयान जो होते हैं, जैसे ही कोई भी एफआईआर दर्ज होती है, एफआईआर दर्ज होने के बाद में पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और उस विक्टिम को लेकर जाती है मजिस्ट्रेट साहब के सामने, जहां पर उसके जो बयान है वो रिकॉर्ड कराए जाते हैं, जो कि चार्जशीट जब लग जाती है तो चार्जशीट में भी आपको वो 164 के बयान देखने को मिल जाते हैं। साथ में दोस्तों जब आप 161 के बयान देखते हो, 161 में जो एग्जामिनेशन की बात करता है, एग्जामिनेशन का मतलब ये होता है कि पुलिस आपको बुलाती है पुलिस स्टेशन में। अब पुलिस स्टेशन में जिसको बुलाया वो कोई भी हो सकता है, या तो विटनेस हो सकता है, विक्टिम भी हो सकता है और साथ में एक्यूज भी हो सकता है। जिसको भी वहां पर बुलाएंगे पुलिस स्टेशन में, उससे ओरली पूछताछ की जाती है, ओरली एग्जामिन किया जाता है। आप कोई भी लॉ स्टूडेंट है, कोई भी नए वकील साहब है, या अभी आप कानून को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपके लिए ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि जब पुलिस के सामने दी गई कोई भी स्टेटमेंट एडमिसिबल नहीं है तो वो कब एडमिसिबल हो जाती है, जब कोई भी रिकवरी या डिस्कवरी हो जाती है उस स्टेटमेंट को देने के बाद। मतलब पुलिस ने कुछ रिकवर कर लिया तो वो एडमिसिबल हो जाता है, और 164 के बयान तो होते ही महत्वपूर्ण है। अब डिपेंड करता है कि जब एक एफआईआर कटी, मतलब कि इन्फॉर्मेंट ने, मतलब कि कंप्लेनेंट ने जाकर एक कंप्लेंट दी, और जो एफआईआर में लिखवाया गया, जो भी स्टेटमेंट दी, जो भी कंप्लेंट दी पुलिस के सामने, अब जो 164 के बयान हो रहे हैं क्या वो भी वही दिए जा रहे हैं, मतलब दोनों में कुछ अलगाव तो नहीं, दोनों में कोई फेरबदल तो नहीं। अक्सर दोस्तों ऐसा होता है कि झूठे केस जो लोग करते हैं वो केस को और सीरियस बनाने के लिए बार बार अपनी स्टेटमेंट में बदलाव करते रहते हैं, जिसका बहुत ज़्यादा खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है और बेनिफिट मिलता है एक्यूज को। एक्यूज चाहे जेल में हो या बाहर हो, 164 के बयान बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उन्हें अच्छे से एफआईआर के साथ मिलाकर पढ़ना जरूर चाहिए। तो दोस्तों 164 के बयान को कुछ आप यूं समझ सकते हैं कि मजिस्ट्रेट साहब के सामने जो बयान आपका कराया गया, जो आपने वहां खड़े होकर स्टेटमेंट दी, वो एक इम्पोर्टेंट पीस ऑफ डॉक्यूमेंट है, पीस ऑफ एविडेंस है, उसे कोर्ट में इस्तेमाल किया जाता है, और उसको एफआईआर के साथ में जब मिलाकर पढ़ते हैं तो देखा जाता है कि जो एफआईआर में लिखा गया वही 164 में भी बोला गया कि नहीं। तो इसका बहुत आप ध्यान रखें, 164 को बहुत ध्यान से आप पढ़ें। कोई भी किसी भी तरह के सवाल अगर आपके दिल में है 164 को लेकर, 161 को लेकर, आप सवाल पूछें, हम आपको उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। और कुछ भी अपने केस के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप करें, हम आपको रिप्लाई करेंगे, हो सकता है उससे आपकी कोई हेल्प हो सके। अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों परिजन परिवार में शेयर करें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस दोस्तों आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।